मैं सब जानती हूँ कि किस तरीके से तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अभी मेहरा का नाम हटाकर आलिया मेहरा लिखवा ली। कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम साबित ही नहीं कर पाओगी इनका नाम हटाकर मैंने अपना नाम डाला है। अब देखो ना, जब तुम इस घर में वापस आई थी और तुमने सब कुछ अपने नाम कर लिया था, तब हमारे पास कोई सबूत नहीं था तुम्हें झूठा साबित करने के लिए, और आज तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है मुझे झूठा साबित करने के लिए। मुझे हमेशा से पता था कि तुम अंदर ही अंदर अपने भाई को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही। मैं यूं ही आकर सबसे ये बात कहती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, तुम्हारा अपना भाई यकीन नहीं करता। इसलिए मैंने जानबूझकर उन पेपर्स को उस शू रैक में रखा था जहां से तुमने उन्हें चुराया, और फिर तुम्हारे हिसाब से तुमने बड़ी चालाकी दिखाई, जाकर वहां पर अभी मेहरा का नाम बदलकर आलिया मेहरा लिखवा लिया, और मेरे लिए आसान हो गया तुम्हारी धोखेबाजी को सबके सामने लाना। कहानी तो तुमने बहुत बढ़िया सुनाई। I hope you do realize कि इस कहानी का क्लाइमैक्स थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। देखो, शायद तुम्हें पता नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी मूवी तभी हिट होती है जब उसका क्लाइमैक्स स्ट्रांग होता है। तुम ये साबित कैसे करोगी कि मैंने भाई का नाम चेंज करके अपना नाम डाला? कोई सबूत नहीं है तो फिर? मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। अभी मेरी स्टोरी का क्लाइमैक्स हुआ नहीं। रॉनी, उन दोनों को बुला कर ला। क्या हुआ, अब तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? अब आगे की कहानी तुम सुनाओगी या मैं? कि ये दोनों हैं कौन? शायद तुम्हें याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। ये तुम्हारी फोटो जब तुम इन दोनों से मिली। और ये फोटो जब तुम इन्हें पेपर्स दिखा रही थी। खत्म हो गए तुम्हारे सबूत। कोई बात नहीं, तुमने हमेशा मेरा सब कुछ छीना है। पहले मेरा पूर्व मुझसे छीना, और अब मेरी फैमिली, मेरा घर, ये सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी? नहीं, तुम नहीं बचोगी, बिकॉज अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ भी कहना, तुमसे शिकायत करना, तुम्हें सजा देना, सब बेकार है, क्योंकि इस सब का तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। अरे, सुधरते वो लोग हैं ना जो बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुम तो शुरुआत से ही ऐसी ही हो। डैड ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी ना, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन एक जिम्मेदारी है जिसे जिसे अब मैं पूरा करूंगा। हेलो कमिश्नर साहब, क्या आप अपनी टीम को मेरे घर भेज सकते हैं? इट्स अर्जेंट। आज एक भाई हार गया दादी। आलिया ने जो कुछ भी किया है ना, उसमें गलती मेरी ही है। कितना इतराता था मैं अपनी परवरिश पर, लेकिन मैं उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाया दादी। मॉम डैड के संस्कार नहीं दे पाए मैं उसे। पता है दादी, सजा अगर किसी को मिलनी चाहिए ना, तो मुझे मिलनी चाहिए। आज से पहले मॉम डैड मुझसे कितना
प्राउड फील किया करते थे, लेकिन उन पर क्या बीत रही होगी जब जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने ही अपने अपने छोटी बहन को जेल भिजवा दिया। क्या पता बेटा, ये सजा के बाद उसको प्यार और परिवार की अहमियत का पता चल जाए। तभी ठीक कह रही अभी। आलिया ने हमेशा तेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा, कभी वैल्यू नहीं किया तुझे, तेरे प्यार को, अपने भाई को। तू खुद को क्यों ब्लेम कर? तूने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। Rockstar, my fault. क्या हुआ? चैलेंज हार गए इसलिए इतना बुरा लग रहा है? देखो, प्री प्लान्ड गेम को चैलेंज नहीं कहते। तुमने मेरे कहने पे कुछ नहीं किया, तुमने पहले से ही सब कुछ कर रखा था, बस मेरे सामने एक्टिंग करी थी। मजा आता है क्या मेरे साथ ये सब कुछ करके? तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये नाटक नहीं करती, सबूत इकट्ठा नहीं करती, तो आप मेरी बात पर यकीन कर लेते? बिना किसी सबूत के मैं आपके सामने आती, कहती आलिया ये सब करने की कोशिश कर रही है, और आपको भरोसा हो जाता? यही है ना आपका सीधा रास्ता? मैं अभी आपको कहती हूँ कि इस घर में और भी लोग हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी सबूत के मैं उन्हें आपके सामने खड़ा करती हूँ, आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे?